तो फ्रेंड्स जेउसो ने तो हेल्प नहीं की भाई दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की स्मैकडाउन के अंदर, मगर भाई दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस जरूर हमें हेल्प करते हुए दिखाई देने वाला है जेउसो की। और भाई जेउसो शायद ये बात जान चुके हैं कि उनके रियल ब्रदर दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस है ना कि सोलो सिकोआ, क्योंकि सोलो सिकोआ ने जो कुछ भी किया है जेउसो के साथ तो उस चीज का बदला तो हमें लेते हुए दिखाई देने वाले है जरूर भाई दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस। मगर भाई WWE यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करते हुए दिखाई दे रही है दी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर। अब वो मिस्टेक क्या है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले आज के नाइट्रो के बारे में क्या कुछ वहां पर देखने मिला। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आज के मैंने नाइट्रो की शुरुआत ही मैं करते हुए दिखाई देते हैं दी ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर जेउसो बैकस्टेज मौजूद होते हैं और वो यहां पर कहते हैं कि मुझे फिक्र है अपने ब्लड लाइन मेंबर्स की, जिसके बाद हमें वहां पर देखने मिलते हैं जेउसो के चैलेंजर और फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। भाई कहते हैं मैं जेउसो की रिस्पेक्ट तो करता हूं मगर जेउसो भाई फंसे हुए अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर, तो यहां पर उसे कोई भी जरूरत नहीं है भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, और मैं फिर से लेने वाला हूँ छीनने वाला हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भाई जेउसो से। जिसके बाद भाई मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें मैच देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जेउसो के बीच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और काफी ज्यादा ब्रूटल और बैंगर मैच होता है। मगर इंटरेस्टिंग चीज हमें तब देखने मिलती है जब जेउसो भाई हिट करते हैं स्पेयर ब्रॉन ब्रेकर को, मगर भाई क्राउड के बीच से हमें देखने मिलते हैं दी ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोआ, टामाटोंगा टांगालो और जेकब फतू, उनके हाथ में भाई टिकट्स होती है तो टिकट्स के जरिए हमें देखने मिलते हैं सोलो सिकोआ और उनकी न्यू दी ब्लड लाइन। और इस चीज को देखकर भाई जेउसो काफी ज्यादा शोक हो जाता है। सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मगर फ्रेंड्स हम ये बात जानते हैं कि सोलो सिकोआ आखिर क्यों हमें न्यू ब्लड लाइन के साथ देखने मिले मंडे नाइट रॉ के अंदर, और इस चीज का भाई पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है ब्रॉन ब्रेकर। फ्रॉम बिहाइंड अटैक करने की कोशिश करते हैं जेउसो के ऊपर, और फिर हमें वहां पर देखने मिलते हैं टांगालोआ। जेउसो टांगालोआ को देखते ही भाई सुपर किक मार देते हैं, जिसके बाद टामाटोंगा के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जेउसो, और फिर भाई सोलो सिकोआ और जेउसो आपस में उलझ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर मारने की कोशिश करते हैं जो कि लग जाती है भाई सोलो सिकोआ को, और फिर भाई जेउसो रिंग के अंदर ब्रॉन ब्रेकर को सुपर किक मारते हैं स्पेयर मारते हैं, और फिर हमें स्प्लैश पड़ते हुए दिखाई देता है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर जेउसो की तरफ से। मगर दी ब्लड लाइन के मेंबर भाई कहां रुकने वाले थे, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं जेउसो को, जेकब फतू की तरफ से हमें अटैक देखने मिलता है जेउसो के ऊपर, और लास्ट में ब्रॉन ब्रेकर भाई सुपर स्पेयर मारकर जेउसो से इस मैच को सक्सेसफुली जीत जाते हैं, और न्यू ब्लड लाइन के मेंबर अपना काम कर वहां से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने नाइट रॉ तो चली जाती है ऑफ एयर। मगर फ्रेंड्स शायद जेउसो को अब ये बात समझ में आ गई है कि उनके रियल ब्रदर्स कौन है। तो फ्रेंड्स दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस बहुत जल्द हमें बदला लेते हुए दिखाई देने वाले हैं सोलो सिकोआ और उनकी न्यू दी ब्लड लाइन से। मगर अब बात करते हैं दी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर एक बड़ी मिस्टेक के बारे में। तो फ्रेंड्स वो बड़ी मिस्टेक है सैमी ज़ेन। तो फ्रेंड्स आखिर सैमी ज़ेन कहां थे मंडे नाइट रॉ के अंदर, हमें हेल्प करते हुए नहीं देखने मिले जेउसो की। तो फ्रेंड्स आप क्या कहना चाहोगे सैमी ज़ेन के बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज़।